परशुराम, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में, एसपी ब्रदर व्लॉग। और फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट में, मुझे कोई काम है तो मार्केट जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ मार्केट। वैसे मैंने पहले भी दिखाई है, तो आज मैं जा रहा हूँ राजगुरु मार्केट। हमारे साथ वाली पे नहीं जा रहा, आज मैं जा रहा हूँ मेन मार्केट में, जो हिसार की खान पान शान है, जो मार्केट मैं वहाँ जा रहा हूँ, कोई काम है मुझे। और उसके बाद देखते हैं कहाँ जाएंगे। अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ मैं वहाँ पे, बाइक पे हूँ तो चलते हैं। तो गाइस हम चलते हुए, ये देखो हम जा रहे हैं मार्केट। जय हिंद जय हरियाणा है, चलते हैं। जय हिंद जय हरियाणा जय भारत। तो गाइस सैनियन मोहल्ले की छोटी छोटी गलियों से निकलते हुए और इन गलियों से निकल के हम जाएंगे राजगुरु मार्केट। ये देखो बीच में गाय भी आ रही है ना, तो बस चल रहे हैं, चलते हैं। तो गाइस फाइनली राजगुरु मार्केट पहुंच गए हैं और अब हम जा रहे हैं जहां से हमने सामान लेना है। हम आ जाएंगे लेफ्ट ले ले, तो ये लीजिए, ये आगे कौन सी है, तेलियन पुल है ना, ये है तेलियन पुल राजगुरु मार्केट। अब हम जाएंगे सीधा, ये है पुरानी सब्जी मंडी। बस अब हम जा रहे हैं सामान लेते हैं। गाइस ये है मेरे चाचा जी और इनकी शॉप है राजगुरु मार्केट के बिल्कुल बीचों बीच। कोई भी कपड़ा आपको सिलवाना हो किसी भी टाइप का, जाना नहीं अल्ट्रेशन के लिए, ओनली अल्ट्रेशन बंद कर दिया, बना दो सिलना। क्यों क्यों नहीं बैठे, इसमें ये बढ़िया है, उसमें पैसे बहुत डूब गए। हेलो सिलवा जावा एयर वकील पे 3500 चेप्पी लगा गया। अच्छा। एसी वानी का था 4200 रुपए की चेप्पी लगा गया मेरा, तो ओनली अल्ट्रेशन है। तो ओनली अल्ट्रेशन इतना सियाना बना, सुन को पेंसिल लिया आया सिलवा ली, उसे सारा एक पेंसिल को लिया आया, बोला यो सिल लेना मैं इकट्ठे पैसे दे जाऊंगा, ये वकील है मना कैसे करूँ, वो भरी है और उन्होंने ले गया। कोई नहीं के करोड़पति होगा वो 3500 में, ना नुकसान को वही है बेटे, कारीगरों को देना पड़े हैं ना, ये तो है। वो सिवानी वाला है, वो भगवान कहीं ना कहीं से निकाल लेगा। वो सिवानी वाला है, वो भी 3500-4200 रुपए की लगा के खड़ा है। कोई नहीं कोई नहीं, आ जाएंगे ना, बहुत लग गई, अपना बंद कर गया नया काम। चलो अरे की मेरे शुरू कर दिए तुटके जामे, जब भी चाहिए ना पीले पीले मेहंदी वाले, जब मर्जी आ जाना ठीक है। किसी भी चाहिए यार दोस्त को चाहिए हो पीले सिले सिलाए तैयार मिलते हैं ठीक है। तो गाइस ये देखो कैसे मिल बांट के खा रहे हैं, तो आप सब भी ऐसे मिल बांट के खाया करो। चलो ओए सूट तो लिया कोनी, अरे सारा वारा वासे वो एंडी है यार हैं, पैसे दे दिए सारे काम कर लिए, सूट उठाया कोनी के यार, सीखो यार ऐसे करेगा क्या यार तू मेरे साथ यार हैं, बताइयो बता, तेरी ये गलती की वजह से मेरे को 5 मिनट की देर हो। इधर देख तो इधर इधर देख, अरे क्या देखूं क्या यार, देखो यार ऐसे करते हैं क्या। तो गाइज अभी मेरे को पता चला है कि हिसार में लगा हुआ है ट्रेड फेयर, अभी हम मैं और शेखू जा रहे हैं ट्रेड फेयर में। ट्रेड फेयर दिखा के आता हूँ, इसने बेचारे ने बचपन में देखा था, इसके बाद अब दिखाऊंगा। सर जी जोड़ता ना बोल जा का आया है, पीछे पिछली बार लग गया, ये कह रहा है कितनी बार लगा है, एक बार भी नहीं गया, तो मैं लेके जाता हूँ इसको ट्रेड फेयर दिखा के आता हूँ हिसार का। तो गाइज सामने है ये कौन सा मॉल है, एनिमेंट मॉल, एनिमेंट मॉल, और इसके जस्ट सामने लगा हुआ है ट्रेड फेयर, अभी आपको दिखाते हैं रोड क्रॉस करके। तो गाइस ये है यहाँ पर जो लगा हुआ है, ये कुछ शिप्सी बना रखी है ट्रेड फेयर की, तो अब देखते हैं अंदर जाके, पहले पार्किंग में लगाते हैं अपनी बाइक को और फिर चलेंगे अंदर। हेलो गाइस, तो अभी हमारे सर ले रहे हैं टिकट, अंदर एंट्री करनी है तो टिकट लेनी पड़ेगी, भीड़ लगी हुई है, ये देख रहे हो आज संडे है ना तो भीड़ रहेगी। टिकट ले रहे हैं, क्या ले रहे हो सर? अभी सर टिकट ले रहे हैं, ये है एंट्री गेट, यहाँ टिकट ले रहे हैं, वीडियो बना के टिकट ले रहे हैं भैया, चलो अंदर एंट्री करते हैं। चलिए सर आप, हमारी अंदर एंट्री हो चुकी है, ये देखिए पूरा फन।
तो गाइस शेखू जाता हुआ और यहाँ पे डीजे लगा हुआ है शायद, ये रहा, ये यहाँ पर बच्चे नाचते हुए, ये देखो डांस कंपटीशन, ये डीजे वगैरह लगा हुआ है और अंदर ये कुछ। तो गाइस ये आपको दिखाते हैं अब यहाँ पे ट्रेड फेयर में, यहाँ पे कुछ झूले वगैरह भी लगे हुए हैं और आपको एक्सप्लोर कराते हैं। ये देखो ये यहाँ पे गेंडा सोन भी लगा हुआ है और इस पे अब मैं शेखू को बिठाऊंगा। यहाँ पर स्ट्रिकिंग कार भी है और ये दूसरे झूले भी हैं, ये देखो, ये देखिए, चलते आगे की तरफ। और गाइस इस तरफ है खाने पीने की चीजें, अगर आप आते हो तो यहाँ पर, इधर भी झूले लगे हुए हैं छोटे बच्चों के लिए और इस तरफ है सारी खाने पीने की चीजें, उधर है वो आपका खिलौनों की टॉयज की शॉप और इधर बीच में ये लगी हुई है क्लोथिंग की शॉप और ये है शूटिंग एरिया, आप आगे यहाँ पे शूटिंग भी कर सकते हो। बाकी खाली खाली है गाइस, क्योंकि शाम को भीड़ होगी यहाँ पे, हम दिन में आ गए हैं। तो गाइस हमारा काम हो चुका है और अब हम जा रहे हैं वापस, मैं और शेखू दोनों वापस जा रहे हैं, सिट कर रहे हैं यहाँ से और अभी चलते हैं और फिर देखते क्या होता है आगे, चलते हैं फिर। तो गाइस हम जैसे ही निकले ना तो मुझे दिखा यहाँ पर बड़ा पाव, मैंने खाया हुआ है, मैं गया था बॉम्बे एक बार है ना, तो इस शेखू बोला होता गया है तो मैं इसको खिलाने के लिए नहीं पता मेरे को। ये देखो यहाँ पे लगी हुई है, यह कैंप चौक के ऊपर रेडी लगी हुई है यहाँ पर। तो ये देखो सर मात्र 20 रुपए का बड़ा पाव आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये मटका चौक है इसके बिल्कुल जस्ट साथ में लिखी हुई है और ये बैक साइड में इधर हमारी चर्च, हिसार की चर्च है ये, तो इसको पैक कराते और लेके चलते हैं। पहले मैं शेखू को खिलाऊंगा वड़ा पाव और उसके बाद अगर इसको अच्छा लगेगा तो लेके चलेंगे, और नहीं अच्छा लगा तो भी लेके चलेंगे क्योंकि अच्छा होता है जी। तो गाइस एंजॉय करते हैं वड़ा पाव। ठीक है है वैसा वैसा टेस्ट, कैसा लगा? मजा नहीं आया इसको, मजा नहीं आया जी, इसने खाने रखा ना। तो गाइस बड़ा पाव खा लिया, मेरे को तो बड़ा मजा आया यार, सही था, यानी कि 100% वैसा नहीं था बट अब अगर मैं उसको पॉइंट दूं तो 70% तो था, बट शेखू को नहीं मजा आया क्योंकि उसने पहले कभी खाने रखा, उसे नॉर्मल एक बर्गर की तरह लगा और वो वाली बात नहीं थी क्योंकि इन्होंने ना वो जो होता है वो सीधा ही अपना पाव के अंदर उसको रख के, वड़ा को रख के और वो दे देते हैं और उसके साथ हरी मिर्च भी होती है, बट इन्होंने इसको गर्म करके इस पर कुछ चटनी वगैरह लगा के फिर दिया है तो थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क है। और मैंने इनसे पूछा भी था कि आपको कैसे पता इस चीज़ के बारे में, तो वो ये कह रहे थे कि वो गुजरात में कुछ 2-3 साल लगा के आए हैं तो वहाँ सीखा उन्होंने और अब हिसार में आके इन्होंने ये काम शुरू किया है, देखते हैं चलता है कि नहीं चलता, बट मुझे ठीक लगा यार, सही था। ये देखो जी हमारा हिसार कितना सुना सुना सा लग रहा है आज, क्योंकि संडे है ना इसीलिए, और शाम का टाइम हो चुका है, लाइटिंग ये देखिए ऑन हो चुकी है, स्ट्रीट लाइट्स होती है, बस हम पहुँचने वाले हैं शोरूम पे। तो गाइस हम शोरूम पे आ गए थे और शोरूम पे उस टाइम लगी हुई थी थोड़ी सी भीड़, इसलिए हम थोड़ा बहुत कम में काम घूम किया और अब रिपोर्ट वगैरह बनाने का टाइम हो गया, बस अब रिपोर्ट बनाते हैं और उसके बाद चलेंगे घर और देखते हैं कि आज क्या बना रखा है घर पे, चलते हैं। बच्चे फुल नाच रहे हैं, ये देखो गाजियाबाद से लाइव आया आज का प्रोग्राम, तारम करुणावतारम संसार सारम हारम, पूरी मस्ती आ रही है भजनों से।
ज्ञानी छोटी जितर है शाबाश तो गाइस कैसे हो, आ गए हैं घर, आप करेंगे डिनर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड कीप सपोर्टिंग मी, प्लीज सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।